गुलबर्गा एसटीबीटी दरगाह रोड गवर्नमेंट टीटीआई के अपोजिट बेग न्यूरो सेकेट्री हॉस्पिटल एंड डी एडिक्शन सेंटर ओपन हुआ है, जहां डिप्रेशन, मेंटल इलनेस, स्लीपिंग प्रॉब्लम, स्ट्रेस, अल्कोहल, ड्रग एडिक्शन और दीगर कई बीमारियों का इलाज किया जाएगा। आजकल ज्यादातर लोग दिमागी टेंशन, डिप्रेशन, अल्कोहल, ड्रग्स और दीगर कई बीमारियों और नशे में मुब्तला है। इन सब चीजों से लोग बाहर तो निकलना चाहते हैं पर कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसे लोगों के लिए ही बेग न्यूरो सेकेट्री हॉस्पिटल एंड डी एडिक्शन सेंटर ओपन हुआ है, जिसका इनॉग्रेशन आलंद एमएलए बीआर पाटिल के हाथों किया गया। इस मौके पर फरहान एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन अब्दुल हमीद साहब और दीगर कई दोस्त, अहबाब, फैमिली मेंबर और रिश्तेदार यहां मौजूद थे। बेग न्यूरो सेकेट्री हॉस्पिटल एंड डी एडिक्शन सेंटर डॉक्टर अब्दुल राफे मुक्तदिर बेग ने ओपन किया है, जो MBBS MD कंसल्टेंट न्यूरो सेकेट्री डी एडिक्शन सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर बेग इस हॉस्पिटल में दिमागी मरीज और ड्रग एडिक्ट मरीजों का इलाज करेंगे। बेग हॉस्पिटल में OPD, IPD, जनरल वार्ड, स्पेशल रूम, सिमी स्पेशल रूम, क्लोज वार्ड, डी एडिक्शन सेंटर, काउंसलिंग, ECT, EEG, BO फीडबैक और फार्मेसी यहां मौजूद है और 24/7 इमरजेंसी सर्विस भी यहां दी जाएगी। इस हॉस्पिटल की टाइमिंग दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक और शाम 7 बजे से 9 बजे तक रहेगी और संडे को 1 बजे से 3 बजे तक ये हॉस्पिटल ओपन रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आज गुलबर्गा शहर में जो हमारे दोस्त हमीद साहब बेग भी कहते थे, उनको लेंडिक्यू भी कहते थे, उनका बेटा ने डॉक्टर अब्दुल रफे मुक्तदिर बेग, उन्होंने गुलबर्गा में न्यूरो साइकेट्री हॉस्पिटल और डी एडिक्शन सेंटर आज से शुरू हो रहा है। मैं समझता हूँ ऐसा हॉस्पिटल गुलबर्गा के लिए बहुत ज़रूरी था, स्पेशली डी एडिक्शन सेंटर गुलबर्गा में कहीं भी नहीं था। आज हमारे नौजवान बच्चे शराब में, दारू में, ड्रग्स में और मटका घुटका सब पर बर्बाद हो रहे, तो ये ऐसे लोगों के लिए बहुत कुछ मदद होगा। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर अब्दुल रफी मुक्तदिर बेग को, और उससे ज़्यादा मैं मुबारक देना चाहता हूँ हमारा पुराने दोस्त अब्दुल हमीद साहब, जिन्होंने एक अच्छा स्कूल खोला है और ये सारे लड़के बच्चे लोग वहीं पे पढ़े हैं। इसका सारा क्रेडिट अब्दुल हमीद साहब को मिलता है। तो मैं चाहता हूँ ये हॉस्पिटल में कई लोगों को मदद मिलेगा और गुलबर्गा के लिए अच्छा काम हो जाएगा और डी एड एक्सेस सेंटर से कई लोग या अपने बुरे आदत को छोड़ने का काम करे। इतना ही कहते हुए हमारे दोस्त फिर एक बार मैं याद कर लेता हूँ हमीद साहब लेंडकी को, कि आज नहीं है हमारे बीच में लेकिन उनका बेटा उनका नाम रोशनी करेंगे और अच्छा काम कमाएंगे। मुबारकबाद दे चुका हूँ डॉक्टर साहब को और मुझे ख़ास तौर से हमारे इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट हैं ये भी, इनकी पूरी फैमिली, और इसके लिए हमको बहुत फ़ख्र है, बहुत खुशी है कि गुलबर्गा जैसे मुकाम पर किसी ज़माने में मेडिकल में मुस्लिम बच्चों का, लड़कियों का तो नाम व निशान नहीं था, अल्लाह के फजल से सैकड़ों हो गए। ये बहुत फ़ख्र की बात है और हिम्मत कर रहे हैं, खोल रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। मैं इनसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेडिकल प्रोफेशन जो है इज़ नॉट फॉर मिंटिंग मनी, इट इज़ सर्विस ओरिएंटेड। बस इस बात का ख्याल रखिए, लोगों का दुख दर्द दूर करना, तकलीफ़ दूर करना, उनको सेहत के लेवल पर लेकर आना एक बहुत बड़ी खिदमत है और ये गॉडली सर्विस है। खुदा करे अल्लाह ताला आपको आपकी फैमिली को तौफीक दे, मेरी पूरी कोशिश है। बहुत 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 मुबारक। मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला इनके हाथ में शिफा दे, जो भी बीमार आए वो अच्छा होकर जाए, यहाँ से खुश होकर जाए। Thank you.
I'm Dr. Santosh Patil, ophthalmologist, and it's a very a great thing that Dr. Beg has opened this neuropsychiatry hospital, and this has a very good facilities, both IPD and OPD, and all the investigations are available under one roof. Now, because of stressful life, mental patients, psychiatric patients, the incidence of psychiatric patients is huge, and requirement, quality care, service, everything is required now in this era. And Dr. Beg is going to be a boon to Gulbarga, is going to give a lot of service. Hope he succeeds well, and we're praying and wishing God to bless him and give him success and fame for Gulbarga. MashaAllah, Abdul Rafi jo hai Gulbarga mein psychiatric hospital dale hain. Main inko dil ki gehraiyon se mubarakbad deta hoon. Main Dr. Mohammad Shafiuddin Mazhar, ENT surgeon. बहुत पहले से डॉक्टर साहब को जानता हूं, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपना MBBS गुलबर्गा से ख़त्म किया और MS MD इन सेक्रेटरी किया है, और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इधर उधर से लेके बीजापुर वगैरह हर जगह काम करके अब गुलबर्गे में अपना सेंटर डाले हैं, और ख़ासकर DA एडिक्शन का जो इनका ये है, मैं चाहता हूँ कि गुलबर्गे की आवाम इससे फ़ायदा उठाए। DA एडिक्शन यानी कि जो लोग गुटके के, सिगरेट के, बीड़ी के आदि हो जाते हैं, और अल्कोहल खासकर जो छूटता नहीं है, उसको छुड़ाने के लिए डी एडिक्शन सेंटर रहता है। तो इसको डॉक्टर साहब ने स्टार्ट किया है, तो मैं इसके लिए डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं, और अवाम से अपील करता हूं कि इनके हॉस्पिटल से जो है ना फ़ायदा उठाएँ, और डी एडिक्शन के पेशेंट्स को यहाँ पर ला कर अपने इलाज करवाएँ। मैं सबसे पहले डॉक्टर राफे अब्दुल मुख्तदिर बेग और उनकी फैमिली को आज बेग न्यूरो सेक्रेटरी हॉस्पिटल और डी एडिक्शन सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूं। मौजूदा दौर में बहुत सारी बीमारियों से हम जूझ रहे हैं, और कुछ बीमारियां जो समझ में नहीं आती, हम लोग उनके इलाज में नाकामी पाते हैं, और बहुत जगह जा कर के भी नाउम्मीद हो जाते हैं। मुझे बताना यह है कि आज के मुआशरे में शराब, तंबाकू, गांजा, चरस, अफ्यूम वगैरह की लत ने नौजवान नस्ल को बिगाड़ दिया है, उनकी सेहतों को ख़राब कर दिया है। तो ऐसे लोग जो मुख्तलिफ अजीब किस्म की बीमारियों का शिकार हैं। गुड इवनिंग, माईसेल्फ डॉक्टर अब्दुल राफे मुख्तदिर बेग, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बेग न्यूरोसाइकियाट्री हॉस्पिटल and de addiction center. Today there is a grand opening of our neuropsychiatry hospital and de addiction center. For this I would like to thanks Allah subhanahu wa taala for making this event memorable, and I also like to thank the chief guest Shri B.R. Patil sir, advisor to CM government of Karnataka, and MLA Alan, and I would like to thank Janab Abdul Hamid Farhan sahab, chairman Farhan Education Societies. And I also I'd like to thank my family members, my parent, my friends for making this event a memorable. The hospital is equipped with the facilities of such as OPD, IPD, ward, closed ward, semi-special rooms, pharmacy, ECT, electroconvulsive therapy, and electroencephalography, and biofeedback. Apart from that, we also have a 24/7 psychiatry emergency services, and also we have counseling facilities such as marital therapy, couple therapy, motivational enhancements therapy, behavioral therapy, and etc. We also have child guidance facilities, stress management techniques, and also we have complete de-addiction care 9-bedded facilities. For this, I would like to request the citizens of my city that if you have having any stress related issues such as depression or anxiety or substance used such as alcohol, nicotine, you can have the treatment at our de-addiction center facilities, and also we have
complete neuropsychiatric care treatment. Thank you.